अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा, अगर आप इस तरीके की वीडियो बनाना चाहते हैं, दो अलग अलग टैंपलेट्स वाली वीडियोज़ हैं, अगर आप इस तरीके की वीडियो एडिटिंग कैपकट में करना चाहते हैं, तो भैया आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है बहुत ही सिंपल तरीके से जल्दी से बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है ऐसी वीडियो जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस चले चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली ऐसी आनी वीडियो, ऐसी आनी अपडेट आप तक आसानी से पहुँचे। सो गाइस चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से कैपकट को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद गाइज आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज कुछ इस तरीके से आपने अपनी पिक्स को ऐड कर लेना है, जो भी आपने ऐड करनी है। तो यहाँ से हम फोटोज़ में जाते हैं और यहाँ से हम जो है कोई भी पिक जो है ऐड कर लेते हैं। ये वाली पिक हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपने ये वाली रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है इसको छेड़ना नहीं है, जो भी पिक है खड़ी रहने देना है, ठीक है, जहाँ पे भी साइज जिस साइज में खड़ी है, ठीक है, फुल स्क्रीन नहीं करना। उसके बाद ये जो एंड पे लोगो आ रहा है कैप कार्ड का, आपने इसको डिलीट करके यहाँ पर आपने फ़ोटोज़ की लेंथ को बढ़ा लेना, आपने जितनी भी वीडियो जो है बनानी है, ठीक है। उसके बाद गाइज आपने क्या करना, आपने बैक आना है। बैक आने के बाद गाइज आपने ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से आपने एक वीडियो जो है ऐड करनी है पार्टिकल की, ठीक है, ये वाली, इसको आपने करना फुल स्क्रीन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फुल स्क्रीन करने के बाद गाइज सप्लाइज के ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पर आपने इसको कर देना फिल्टर, ठीक है। फिल्टर करने के बाद आपने टेक के साइन पे कर देना है क्लिक, ठीक है गाइज। और जो भी मैं मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने बैक आना, एड ओवरले पे क्लिक करना है। एड ओवरले पे क्लिक करने के बाद आपने वीडियो सॉरी फोटोज़ में जाना और यहाँ पर ये वाला टेम्पलेट है, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से इसको आपने डाउनलोड करके ऐड करके फुल स्क्रीन कर लेना गाइज कुछ इस तरीके से। फुल स्क्रीन करने के बाद गाइज आपने इसकी जो लेंथ है इसको भी आपने अपनी वीडियोस के बराबर कर लेना है। करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, इन्हीं ऑप्शन में आना और यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो सर्कल है आपने इसको रेड पे फुल रेड करना है, ठीक है, और उसके बाद इंटेंसिटी पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको आपने कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है, ठीक है, फुल कर देना है, 100 पे कर देना है, ठीक है। और उसके बाद टिक के साइन पे क्लिक करके आपने जो है ये वाली फ़ोटोज़ है बैक आना है, ठीक है, और जो फ़ोटो आपने ऐड की थी उस पर क्लिक करके आपने कुछ इस तरीके से इसको जूम इन कर लेना है। जूम इन करने के बाद गाइज कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो जो है क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैक आना है और यहाँ पर आपने ऐड ओवरले पे क्लिक करके यहाँ पर एक साउंड है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने इसको ऐड करना। ऐड करने के बाद जो है आपने इसको कुछ इस तरीके से जो है सेट कर लेना। यहाँ पर इसको आपने इसके वॉल्यूम को म्यूट कर लेता हूँ ताकि हमारी वीडियो में कोई भी मसला ना बने। कुछ इस तरीके से रख के आपने सप्लाइज के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपने डार्कन कर देना है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से आपकी जो है यहाँ पर जो है लिरिक्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और इनको यहाँ पर आप जो है यहाँ पर इनको भी सेपरेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, सेपरेट और डिलीट कर देना है। इसको भी आपने सेपरेट और डिलीट कर देना है, इसको भी आपने सेपरेट और यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइज कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो जो है क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्यारे अंदाज में, ठीक है। उसके बाद गाइज आपने जो दूसरा टैंपलेट है वो कैसे यूज़ करना है, ठीक है गाइज, आपने फर्स्ट पे तो यहाँ पर ये जो पार्टी कर लेना आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो है यहाँ पर रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपने नीचे आना और यहाँ से आपने ये वाली वीडियो ऐड करनी है। यहाँ पर एक और पार्टी कॉल की वीडियो है, ठीक है, उसको हम जो है ऐड करते हैं, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ये रही, ठीक है, इसको आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद गाइज आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये जो है ना ये टेम्पलेट इसको भी आपने जो है रिप्लेस करना है, ठीक है, यहाँ से हम जो है इसको ऐड करेंगे, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपने इन्हीं ऑप्शन में आ गया कि क्रोमा की के ऑप्शन पर आना है, ठीक है, और यहाँ से आपने इसको जो है कर लेना है, सॉरी, यहाँ से हम क्रोमा की के ऑप्शन पर क्लिक करके इंटेंसिटी पर क्लिक करके यहाँ पर हम जो ये सर्कल है ना इसको हम जो है यहाँ पर लेके आएंगे, सॉरी, यहाँ से हम क्रोमा की के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इंटेंसिटी जो है इसको हम जो है कुछ इस तरीके से, सॉरी, यहाँ से हम जो है कलर पिकर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से
फिर इन डायनेस्टी पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से फुल कर देंगे, ठीक है, टिक के साइन पे क्लिक कर देंगे। और गाइस कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो क्रिएट होगी। लिरिक्स को अगर आप डिलीट कर दें तो भी यहाँ से हम जो है इसका साउंड निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने न्यू ऑप्शन में आना है और यहाँ से हम बैक जाते हैं, ठीक है। बैक जाने के बाद गाइस जो है ये वाला लिरिक्स है ना, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है एक एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और जो वीडियो थी ना उसको हम जो है यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से हमारी जो है ये वीडियो भी क्रिएट हो जाएगी। ऐसा टेम्पलेट, ये वाला टेम्पलेट भी यूज़ हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से वीडियो एडिटिंग करके आपने इस वाले बटन पे क्लिक करना और इसको सेव कर लेना, सिंपल, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके से ये सेव हो जाएगा। सो गाइस आज की जो वीडियो थी यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।